हमें भी बहुत खिलाया ऑलमोस्ट एवरी डे। आओ भगत मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में होती है। और मैं निकला तो आगे से राम राम बोलते थे ना सारे वहाँ के, तो हम भी राम राम बोलते थे जाके। तो मैं निकला, उनको नाम नहीं पता था, ना मेरे करेक्टर का नाम पता था, ना मेरे असल में नाम पता था। बुजुर्ग क्या बेचारे, उनको क्या पता होगा कौन है मी। तो निकला राम राम एक्टर साहब। तो जब भी हम वो सीन परफॉर्म करें और डायरेक्टर बोले कट, तो वो जोर से कॉम्प्लीमेंट देते थे, अरे मजेदार, बहुत मजा आया। सो ही वाज वेरी स्वीट। नेक्स्ट सिक्स मंथ्स और इन वन ईयर अगर हुआ प्लान, तो अगर वहाँ पे काम अच्छा होता है, अगर दो तीन फिल्में जो हिंदी हमने की हैं अगर वो अच्छी वर्क करती है ना, डेफिनेटली हमको मतलब अगर नहीं तो बैक एंड फोर्थ तो चलेगा। यहाँ पे पंजाबी फिल्में तो कभी जिंदगी में नहीं छोड़ सकते, ये तो करनी करनी है। हुमा से पहली बार मिली, उनके काम को मैंने हमेशा से बहुत अप्रिशिएट किया है। और हंसना किसे पसंद नहीं है, यू नो वी लाफ सो मच इन दैट शो। हैव यू बीन टू भारतीय शो? सो एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या फिर वर्ल्ड वाइड बात करें। आजकल ओटीटी में भी खूब लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट जाट और जटनी कर रहे हैं, और मूवी आ रही है कुड़ी हरियाणे वाली। आज उसी की कास्ट आज हमारे साथ हैं सोनम बाजवा और एमी विर्क, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, हरियाणा कैसे पहुंचे आप दोनों, और जाट और जाटनी का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो लोगों को कितना एक्सपेरिमेंटल लगेगा वो बता दीजिए। एमी से शुरू करते हैं। मैं तो इसकी वजह से गया हूँ जी हरियाणा। ऑलराइट। ऑब्वियसली जाट गया जाटनी की वजह से। तो मतलब वहाँ पे जाके क्या क्या कुछ होता है, ये आपको 14th जून को मूवी में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली एक्चुअली ये दो स्टेट्स की मूवी है, पंजाब और हरियाणा। मोस्टली शूट वही हुई है सारी, ऑलमोस्ट 90-95% हरियाणा में। और ये हम इसको पंजाबी मूवी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम इसको नेशनल मूवी कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज दोनों लैंग्वेजेस बोली गई हैं इसमें। ऑलमोस्ट 50% हरियाणवी, 50% पंजाबी। और डिफरेंट इसलिए करना था बिकॉज लोगों ने बहुत ज़्यादा ओटीटी देख ली है। सो वो सेम चीज़ें, बेशक मतलब अच्छी फिल्में हों, बड़े ब्रांड हों, लेकिन उसमें भी लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट चाह रहे हैं देखना, तो इसमें ये। और मेरी तो चलो इतनी ज्यादा नहीं मेहनत लगी, सोनम की बहुत ज्यादा, बिकॉज इसने कभी हरियाणवी नहीं बोली, फर्स्ट टाइम शी इज डूइंग इतना का करेक्टर। और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये है, और काम करके इसलिए अच्छा लगा बिकॉज इसमें जो मतलब बहुत बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्ट हैं, जैसे यशपाल जी हैं और योग सर हैं और सोनम जी हैं, तो मतलब मना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। सो बाकी ऑब्वियसली आगे आने वाले समय में भी अगर एक्सपेरिमेंट होंगे तो सिनेमा सरवाइव करेगा, तो होप फॉर द बेस्ट पूरे इंडिया को, जहाँ जहाँ पे भी मतलब हमें प्यार करने वाले बैठे हैं, बेशक को किसी की मतलब कोई भी लैंग्वेज समझ लो, चाहे वो हरियाणवी चाहे पंजाबी, उनको मूवी ये समझ आएगी और अच्छी लगेगी। अरे आप पंजाबी इंडस्ट्री के लिए कॉम्प्लीमेंट है। पिछले कुछ दिनों आई वॉज ट्रेवलिंग, तो लोग कहते हैं हम तो पंजाबी फिल्में अब कैप्शन ऑन करके देखना शुरू कर दिए क्योंकि कंटेंट की कमी हो रही है, लोगों ने ओटीटी इतना देख लिया। ओटीटी हां, कंटेंट की है कमी। सीरियसली रात पिछले 2-3 दिन से मैं पंजाब हूँ, 3 दिन काम नहीं था कोई, तो ऑलमोस्ट पंजाब में ही था, तो मेरे को नहीं कुछ देखने को मिला लिटरली। लाइक हम खुद सिनेमा बनाते हैं, हम करते हैं, काम करते हैं, मेरे को पता भी अगर आज ये चीज़ देख लूंगा तो अच्छा रहेगा, टाइम अच्छा स्पेंड होगा, मेरे को नहीं मिली बिकॉज ऑलमोस्ट मतलब हम इतने फ्री भी नहीं रहते, फिर भी हमने सारा देख रखा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो जो मतलब जो कम काम करते हैं, जहाँ मतलब सुबह जाके शाम को वापस आ जाते हैं, जिनके पास एवरी डे कोई ना कोई चीज़ देखने को होती है, उनके पास उन तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ देखा होगा। सो एक्सपेरिमेंट करेंगे, अच्छा कुछ बनाएंगे। तो कोविड की वजह से ज्यादा पंजाबी सिनेमा ग्रो हुआ, उसके बाद बेसिकली क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा ओटीटी पे देखी हमारी फिल्में, जो ओवरसीज बैठे थे वो भी, और जो इंडिया में रेस्ट ऑफ पंजाब जहाँ जहाँ पे भी बैठे थे उन्होंने पंजाबी मूवीज बहुत ज्यादा देखी विद सबटाइटल्स। एंड वैसे भी मतलब नॉर्मल सी लैंग्वेज है, इतनी ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं होती समझने में, तो देखी है लोगों ने। सर आपका क्या टेक है, एक्सपेरिमेंट हुआ है और इस एक्सपेरिमेंट पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू हमारे डायरेक्टर राइटर राकेश जी का जी। सबसे पहले वो लेकर आए ये इतना यूनिक डिफरेंट आइडिया हमारे पास। एंड आई रिमेम्बर कि हमारी उनसे मुलाकात हुई थी प्रोड्यूसर जी के घर पे, और वो आए थे मुझे कोई और स्क्रिप्ट सुनाने, तो उन्होंने पूरे 1 घंटा पहले वो स्क्रिप्ट सुनाई। एंड आई सेड या इट्स नाइस, करते हैं इस बारे में बात करते हैं, मुझे एक आधा दिन दीजिए सोचने के लिए।
एंड ही सेड मेरे पास ना एक और स्क्रिप्ट है, लड़की हरियाणा की है, लड़का पंजाब का है, और दोनों ही पहलवानी खानदान से है. तो एंड यू नो ही जस्ट कैजुअली नरेटेड द आइडिया फॉर लाइक 5 मिनट्स. आप यकीन मानिए कि जो उन्होंने पिछली फिल्म सुनाई थी उससे ज्यादा इंटरेस्टेड मैं इसमें हो गई. अच्छा थोड़ा सा और बताइए और बताइए. एंड पवन भी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं ही वाज आल्सो देयर एंड वी रियली लाइक्ड इट. मुझे लगा कि कुछ अलग है, पहले हुआ नहीं है. अगर आप देखें प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स इट्स अ बिट मोर रिस्की बिकॉज पंजाबी ऑडियंस को आप जानते हैं, बट आप ऑल्सो यू आर मेकिंग द फिल्म फॉर हरियाणवी ऑडियंस. सो एंड फॉर मी मुझे तो ये नर्वसनेस थी कि मैंने पंजाबी फिल्म में पंजाबी लैंग्वेज बोली है, ऑफ कोर्स मेरी मैं आज जहाँ भी हूँ जो भी हूँ पंजाबी सिनेमा की वजह से हूँ, तो मेरी ऑडियंस मुझे एक दूसरी लैंग्वेज बोलते हुए देखेगी पंजाबी फिल्म में. वुड दे एक्सेप्ट इट, वुड दे नॉट एक्सेप्ट इट, क्या उनको ये नॉर्मल लगेगा क्या, तो बहुत सारे सवाल थे मेरे माइंड में. पर फिर वही एट द एंड ऑफ द डे बात वहीं आ जाती है कि आप भी एज एन आर्टिस्ट चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, अलग करें, अपने ऑडियंस को कुछ अलग और कुछ नया दें. और पूरी टीम की यही कोशिश थी कि यार ठीक है हमारे लोगों को कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है, हाउ डू वी प्रेजेंट अ न्यू थिंग टू देम यू नो इन द सेम जॉनरा. तो वो एक कोशिश थी, एक्सपेरिमेंट तो है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है. एंड मुश्किल भी था मेरे लिए क्योंकि एक नई लैंग्वेज पिक करना और लिमिटेड टाइम में वो चैलेंजिंग तो था. बट एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर आई फील दैट आई हैव सेंस्ड यू नो सर्टेन ग्रोथ इन मी, क्योंकि जब भी आप कुछ चैलेंजिंग करते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, तो कुछ सीख कर ही बाहर आते हैं. सो आई एम जस्ट रियली थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि अभी तक जिन भी लोगों ने ट्रेलर देखा है सबने पसंद किया है और सबने अच्छी बातें ही बोली हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है एज एन एक्टर. और ये चीज़ें बस फिर आपको और एनकरेज करती है कि आप कुछ और अगली बार कुछ और चैलेंजिंग और अच्छा और ज़्यादा ट्राई करें. सो दिस हैज़ बीन अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस. इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट. फाइनल रिजल्ट तो देखिए 14 को आएगा. इट्स लाइक हमने अब एग्जाम लिख दिया है, अब उसका रिजल्ट आएगा 14 जून को. पर पूरी टीम ने एक बहुत सिंसियर कोशिश करी है. ऑफ कोर्स स्टेट अलग है, राइट? तो हर छोटी सी छोटी चीज पे ध्यान देना होता है. इधर इट्स यू नो घर है, वहाँ पे लोगों का कॉस्ट्यूम है, या लोगों की ऑफ कोर्स वो लोग तो उस लैंग्वेज में बहुत प्रो है बात करने में, राइट? तो एमी जब वहाँ शूट कर रहे थे तो कैसा एक्सपीरियंस वहाँ के, बिकॉज व्हाट वी हर्ड इज कि आसपास के लोग खाना ला रहे थे. सुनो आपका जलब भी बहुत अच्छा हो गया था आसपास के लोगों के साथ. तो एमी हाउ यू वेंट विद देम? हाँ जी, बिकॉज ये हमारी पहली फिल्म थी आउट ऑफ पंजाब. नहीं मतलब ऐसा नहीं कि हमने की नहीं है फिल्में, की है मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं, हरियाणा में पहली थी और मतलब इतना ज्यादा टाइम कहीं रुके हो रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. बिकॉज मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बोल रखा है कि मतलब एक तो ब्लड लाइन तो सेम ही ऑलमोस्ट सेम ही है ना, वो मतलब उनका भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है और पहले था भी सारा पंजाब ही है ना, सेम सिर्फ लुक्स डिफरेंट है. बाकी वो ऑलमोस्ट जो माँ बाप की सेवा या इज्जत जो पंजाब में सिस्टम था वही वहाँ है ना, तो खाना बहुत शौक से खाते हैं वो लोग और हमें भी बहुत खिलाया ऑलमोस्ट एवरी डे. हाँ तो मतलब ऑलमोस्ट इंडिया में होती है, तो उन्होंने हमें भी बहुत खिलाया थ्रू आउट. हम मतलब 35-40 दिन 50 दिन ऑलमोस्ट वहाँ थे, तो हमने वेट तो नहीं पुटा हुआ. मैं तो मेरे को तो मसला ही नहीं था इसको, मैं सोच रहा था अगर इसको नहीं है मसला तो मेरे को क्या ही होगा, मेरे को तो टेंशन ही क्या. तो मैं वैसे भी मतलब डाइटिंग वाइटिंग में ज्यादा बिलीव नहीं करता, ऑब्वियस करता तो हूँ लेकिन मतलब केयर नहीं करता, उसका मतलब ये बिलीव तो ऑब्वियसली यू हैव टू. Yes. तो बहुत खाया हमने वहाँ पे और लोग बहुत अच्छे थे, बहुत उन्होंने प्यार किया. एवरी डे वो मिलने आते थे वहाँ के लोग, वो बुजुर्ग वहाँ के और बहुत एक ना हम एक वॉक का सीन था. अच्छा. तो मतलब मेरी फैमिली आती है, शायद मैं निकल के आगे घर पे जा रहा होता हूँ तो वहाँ पे बैठे तो उन्होंने बोला बुजुर्गों भी आपने उठ के ग्रीटिंग नमस्ते करना, और मैं निकला तो आगे से राम राम बोलते थे हम सारे वहाँ के, तो हम भी राम राम बोलते थे जाके. तो मैं निकला, उनको नाम नहीं पता था, ना मेरे करेक्टर का नाम पता था ना मेरा असल में नाम पता था, बुजुर्ग क्या बेचारे उनको क्या पता होगा कौन है मी कौन. तो निकला राम राम एक्टर साहब, राम राम एक्टर साहब, राम राम.
राम राम एक्टर साहब लगे ठीक है जी राम राम जी तो मतलब बहुत ही भोले लोग बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इससे ज्यादा याद है एक बार हम एक सीन करते रात को तो एक एक बंदा था जो बोलता मजा ही आ गया मजा ही ही वाज द ओनली वन हू स्पीकिंग। अब शूटिंग लोग काफी दिनों से देख रहे तो उनको पता चल जाता है और यूजुअली क्या होता है रोल से पहले एडीज हमेशा बोलते हैं कि हाँ जी चुप रहिए साइलेंस इतना सब समझ जाते हैं कि भी बोलना नहीं है हमें एक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। तो जब भी हम वो सीन परफॉर्म करें और डायरेक्टर बोले कट तो वो जोर से कॉम्प्लीमेंट देते थे अरे मजेदार बहुत मजा आया सो ही वाज वेरी स्वीट। गांव के लोग भोले तो और प्यारे तो होते हैं जी। सो मुंबई में आजकल हम देख रहे हैं पंजाबी मूवीज को बहुत प्यार मिल रहा है ग्रैंड प्रीमियर्स हो रहे हैं ट्रेलर लॉन्च हो रहे हैं तो वहां की ऑडियंस ने आपको कैसा रिस्पॉन्स दिया? आप तो मुंबई रह रही हैं एमी को कितना यू नो लोगों ने प्यार दिया वहाँ पे। आई हैव टू से कि वहाँ पे ना शायद इतने कल्चर्स के लोग एक साथ रहते हैं आपको पता है दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड वॉर्म्थ फॉर एवरी कल्चर एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड। और ये बात सच में आप भी शायद मानेंगे कि ना पंजाबियों को बहुत प्यार मिलता है लैंग्वेज भी लोगों को इतना प्यार देते हैं जहाँ भी जाते हैं इसलिए आई थिंक हमारा म्यूजिक भी इतनी एक्सेप्टेंस है और इतना लोग प्यार करते हैं हमारे म्यूजिक को पंजाबी म्यूजिक को एंड स्लोली स्लोली ये जो बाउंड्री है लैंग्वेज का जो बैरियर है ये थोड़ा थोड़ा और कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है और ये चीज़ हम खुद फील करते हैं अब जब वहाँ जाते हैं। एंड आई ऑल्सो डू फील कि जब वहाँ के लोगों में इतनी एक्सेप्टेंस है हम अपने आप को लिमिट करके क्यों बैठे हैं तो हमें भी हमारी मूवीज को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और आई थिंक व्हेन यू डू अ प्रीमियर और अ लॉन्च इन मुंबई जो रीच है बिकॉज इट्स अ मीडिया हब जो रीच है वो बहुत बढ़ जाती है आपके प्रोडक्ट की आपकी फिल्म की आपके गानों की। सो आई थिंक दैट्स द रीजन वी वेंट विद दिस इंटेंशन कि और दूर तक कितनी जा सकती है हमारी फिल्म की आवाज एंड पीपल हैव ऑलवेज बीन सो नाइस सो काइंड इनफैक्ट बहुत ज्यादा हमें प्यार दिया और बड़ा मजा आया वहां पे फिल्म को प्रमोट करके। अभी आप बैड न्यूज भी देने वाले हैं खैर उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन आई मीन कैसा कनेक्ट फील करते हैं अब मुंबई के साथ आफ्टर बीइंग एन एक्टर? मैं फर्स्ट टाइम एज एन एक्टर मैं गया था 2016 में उससे पहले मतलब 2014 में मैं गया था एज एन सिंगर उससे पहले एक आध बार टूर पे गया हूँ कॉलेज के कॉलेज टूर था या 2009 और 10 में तो मुंबई मेरे को अच्छा लगता है लाइक दिल हाँ मतलब रहने को अभी मैंने अभी रहने का सोचा नहीं है प्लान नहीं किया मे बी नेक्स्ट सिक्स मंथ्स और इन वन ईयर अगर हुआ प्लान तो अगर वहाँ पे काम अच्छा होता है अगर दो तीन फिल्में जो हिंदी हमने की हैं अगर वो अच्छी वर्क करती है ना डेफिनेटली हल्को मतलब अगर नहीं तो बैक एंड फोर्थ तो चलेगा यहाँ पे पंजाबी फिल्में तो कभी जिंदगी में नहीं छोड़ सकते ये तो करनी करनी है अगर वहाँ पे जैसा काम हुआ बाकी सबसे ज्यादा डिपेंड करता है फैमिली पे वो वहाँ पे मतलब अगर उनका दिल लगता है वहाँ पे रहने का या मतलब वहाँ पे उनका कोई सेट बैठता है बिकॉज हम तो मोस्टली ट्रेवल करते हैं मतलब ऑलमोस्ट 3-4-5 महीने 6 महीने साल में बाहर रहना घर से सो जो फैमिली को कन्वीनियंट लगेगा तो लेकिन अच्छा मेरे को लगता है शहर सपनों का शहर है लोग वहाँ पे आते हैं एवरीडे एवरीडे लोग आते हैं क्रिएटिव लोग हैं वहाँ पे बहुत मोस्टली टेक्नीशियंस वहाँ से हैं डायरेक्टर्स वहाँ से हैं पंजाबी फिल्मों के भी काफी डायरेक्टर्स जो मुंबई रहते हैं म्यूजिक का काफी काम हो रहा है वहाँ पे हमारे पंजाबी लाइक म्यूजिशियंस मोस्टली वहीं रहते हैं सो दैट्स व्हाई दिल लगता है वहाँ पे मतलब ऐसा बंदा बोर नहीं होता दिन में मतलब कोई ना कोई काम है वहाँ पे करने के लिए। वी हैव सीन यू बोथ प्रमोटिंग मूवी ऑन द टीवी आल्सो टीवी शोज के बाहर पपराजी के जरिए हमें भी पता लग जाता है तो टीवी शोज के साथ कैसा जलप हुआ बिकॉज टोटली मूवीज आर डिफरेंट देन बॉलीवुड इज डिफरेंट बॉलीवुड जो है डिफरेंट है टेलीविजन में प्रमोशंस कैसे रहे हैं? वो नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट है ना ज्यादा किए नहीं है कभी तो वो नई नई चीजें लगती हैं बाकी आने वाले समय में फॉर द बेस्ट आगे जो आएगा बिकॉज टीवी वैसे उसकी रीच थोड़ी कम हो रही है डे बाय डे जितने भी शो थे लेकिन इस बार भी हमने दो तो किए हैं तो आने वाले समय में आने वाले टाइम में जैसे फॉर्चुनेटली ये फिल्म वर्क कर जाए अच्छे तरीके से रब सुख रखे और इसको अच्छा रिस्पॉन्स होता है डेफिनेटली आगे वाली जो फिल्म होगी इससे भी ज्यादा प्रमोट करेंगे तो जो जो लोग प्यार देते हैं
हर जगह पहुंचनी चाहिए जी हमारी चीज, हमारा सही हो, किसी भी वे, चाहे वो टीवी हो, चाहे ओटीटी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, हर जगह से हमारी चीज लोगों तक पहुंचे, इतनी मेहनत की होती है। सो एक्सपीरियंस नया था टीवी का। आपका कैसा था ना? बहुत अच्छा। मैं हुमा से पहली बार मिली, उनके काम को मैंने हमेशा से बहुत अप्रिशिएट किया है। और हंसना किसे पसंद नहीं है, यू नो वी लाफ सो मच इन दैट शो। हैव यू बीन टू भारतीय शो? यस, आई वाज कमिंग, आई वाज, मैं 5 मिनट ली गया सी, लाया काफी, आधा घंटा तो आई थिंक। हां जी, तो बड़ा, या सो आई एम अ ह्यूज भारती फैन आल्सो, तो बहुत अच्छा लगा टू विटनेस सो मच ऑफ टैलेंट एक साथ अंडर वन रूफ। इट वाज अमेजिंग। और वो लोग भी बहुत प्यार से उन्होंने हमें वेलकम किया। पंजाबी फिल्में भी उनमें से काफी लोग देखते हैं। सो या वी वर वेरी हैप्पी, इट वाज सो गुड टू सी ऑल ऑफ देम। मुंबई में पता है ऐसा रहता है, मतलब मोस्टली पंजाबी है वहां पे, जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स की बात करो, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है पंजाब से। इवन शाहरुख खान, अक्षय कुमार, एवरीवन, पुरानी कपूर फैमिली, वो सारी पंजाबी है। तो उससे पहले जो लाहौर से गए हैं, उनका कुछ ना कोई कनेक्शन किसी ना किसी का है। देओल फैमिली सारी पंजाबी है। सिंगर्स में बहुत लोग पंजाब से हैं, तो टेक्नीशियंस में काफी लोग पंजाब से हैं। तो कोई ना कोई आपको किसी ना किसी सेट पे 3-4-5 बंदे, और जो टीवी पे भी मोस्टली पंजाबी काम करते हैं, बिकॉज अगर वो सीधा स्क्रीन पे नहीं है पंजाबी, वैसे तो कपिल सर, कपिल शर्मा पाजी, भारती, सारे पंजाब तो ही, अदरवाइज ये वो मतलब स्क्रीन पे भी नहीं है तो लिखने वाले पंजाबी, तो कोई ना कोई 2-4 बंदे आपको हर सेट पे मिलेंगे जो पंजाब से। एंड हरियाणा की ऑडियंस के लिए क्या मैसेज होगा? पंजाब की तो ऑडियंस ऑफ कोर्स प्यार देती ही है, देगी भी, हरियाणा वालों के लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगी कि पहले तो अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना। अपनी तरफ से हमने एक बड़ी सिंसेयर कोशिश करी है, और अपनी तरफ से हमने एक कोशिश की कि दो कल्चर्स जो इतने प्यारे हैं, सिमिलर भी हैं लेकिन शायद कहीं ना कहीं थोड़े से अलग भी हैं, तो उन दोनों को साथ ला के ये दुनिया दिखाने की कोशिश की है। और बस हम ये उम्मीद करते हैं कि सिनेमा में आके जब आप फिल्म देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, और फैमिली की फिल्म है तो प्लीज़ आइए, देखिए, और फिर अपना रिव्यू दीजिए कि कितना हम दिखा पाए आपके कल्चर को अच्छे से। राइट, आप क्या कहेंगे? बस यही रिक्वेस्ट है सबसे, अपनी फैमिलीज के साथ जाइए, बच्चों के साथ जाइए, यू विल लव द फिल्म। तो आप लोगों की बात है, आपके घर की बात है, तो आप जाओगे, देखोगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और जैसे मतलब आपका म्यूजिक ग्रो कर रहा है हरियाणवी म्यूजिक डे बाई डे वो फॉर द बेस्ट आने वाले समय में, आने वाले टाइम में आपकी रीजनल फिल्में, जैसे पंजाबी सिनेमा डे बाई डे ग्रो कर रहा है, आई होप फॉर द बेस्ट के हरियाणवी सिनेमा धीरे धीरे बने, तो उसमें भी हम जितनी शिरकत कर सकते हैं, जितनी हेल्प कर सकते हैं, वी विल डू आवर बेस्ट, बिकॉज वो बहुत प्यारे लोग हो आप लोग जितने भी हो, तो बस वो कनेक्शन तो है, ब्लड लाइन सेम है, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, बस पहरावा थोड़ा डिफरेंट है। सो मिलते रहेंगे जी आने वाले समय में, होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और बहुत सारी ढेर सारी गुड विशेस, एंड छोरी हरियाणवी जो है आई बिलीव एक सुपर टूपर हिट रहे, और ये एक्सपेरिमेंट लोगों को पसंद आएगा, व्हाट वी बिलीव एंड व्हाट आई बिलीव। सो आप भी 14 जून को रुक कीजिए सिनेमा घरों का, क्योंकि छोरी हरियाणवी जो है आपके आसपास के सिनेमाज में आ रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।